सिलसिला, यहाँ पे सरकार एनआईए और इंटेलिजेंस सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग होंगे, ध्यान से सुन लेना और हरियाणा सरकार कान खोल कर सुन लेना। अगर वहां पर धारा 144 लगी हुई है तो अकेले मुसलमान के लिए नहीं है, मेवातियों के लिए। अगर 28 तारीख में वहां पर यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पर निकलेगी, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई भी यात्रा निकली तो वहां पर पंचायत होगी और ट्रैक्टर यात्रा होगी। मैं जो सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास करते थे हमको कि आपके ट्रैक्टर कहाँ है, आज बता देना चाहते हैं इस मेवात की धरती से ट्रैक्टर भी हमारे यही है। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही है, वे चलेंगे इसी मेवात की धरती पे चलेंगे। वे 25 लाख ट्रैक्टर भी वे आएंगे यहाँ पे, वे 4 की जगह 25 भी होंगे। लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पे निकलेगा। आप शांति बनाए रखें, अपने बच्चों को पढ़ाई पे लगाओ, आप अपना तैयार रहना। अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा निकलती है, उनको परमिशन मिलती है, तो तारीख भी हम तय करेंगे, जगह भी हमारी होगी और तारीख भी हमारी होगी। हम सब लोग आपके साथ में हैं, पूरे मेवात क्षेत्र के साथ में हम हैं। लेकिन अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम चलाओ, अपनी मीटिंगें करो, सब लोग खाप पंचायत आपकी हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश सब लोग लगे हुए हैं। हम सब लोग आपके साथ में, अभी हमारे राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस पंचायत में सब लोग नजरे गड़ाए हुए हैं। घबराने की उसकी जरूरत नहीं, वे भड़काने का काम करेंगे, आप उनसे भड़कना नहीं। हमने देखा है जब मुजफ्फरनगर में 13 के दंगे हुए, जो उनके कट्टर लोग थे वे फिर बाद में भी कहते जी कम हुआ, मगर भाई जो लोग जेल में चले गए उनके पास में गए, जिन हम जेल में उनसे मिलने गए। ये लोग लड़ा के झगड़ा करवा के मरवा के और सजा करवा के ये जब वहां से वापस आते हैं, क्योंकि अपने लोगों के नहीं हुए। जो लोग अडवाणी का नहीं हुआ, जिन्होंने इस पार्टी को बढ़ाकर वहां तक लेके गया, जिसको जिसने यात्राएं निकाल ली, जो मुरली मनोहर जोशी स्वदेशी की मीटिंग करता था, हमारे साथ में मीटिंग करता था, आज उनको बोलने की भी आजादी नहीं। वे बुजुर्गवार हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी डेथ होगी उनके फूल लोटे में घाल लेंगे और 51 जगह उनको घुमाते रहेंगे, पूरा उनसे इलेक्शन लड़ेंगे, उनसे भी मतलब इंतजार कर रहे, बोलने की भी आजादी उनके वहां नहीं है। तो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनसे बच के रहना। और मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूं भाई, विपक्ष अगर देश में कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। विपक्ष भी कोई आंदोलन नहीं कर रहा, डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। ये विपक्ष वाले भी अकेले ये ना करे कि यही तो कुछ कर लेंगे, हम वोट बटोर लेंगे। वोट काटने के लिए उनकी भी टीम तैयार बैठी है, वोट कहां से कहां जाएगी, क्योंकि अब बक्से से नहीं जीत होती, अब बेईमानी से जीत होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, 100 से ज्यादा विधायक हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट, 100 से ज्यादा उनको जीत के सर्टिफिकेट दिए। किसी की हिम्मत कोर्ट और कचहरी इलेक्शन कमीशन में जाने की नहीं है। आप भी जहां जहां उनकी सरकार है वे पूरा काम वहां पे करेंगे। अब वोट बक्सों से नहीं निकलती और वोट ईवीएम से नहीं निकलती, हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दो। अगर ये पूरा हालात देखना है तो आप उत्तर प्रदेश में रुसला आप देख सकते हो, आप उत्तराखंड में देख सकते हो। तो अपने आंदोलन को, इस देश को आंदोलन बचाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश को नहीं बचाएगी, इस देश को किसान और मजदूर और देश का नौजवान बचाएगा। अपने बच्चों को रोजगार पे लगाओ, ये वाहियात के धंधे में मत लगाओ। ये सरकार झगड़ा करवाना चाहती है, ये नहीं कि अकेले नागपुरिया हिंदू ही है, जो नौरंगिया है वो हिंदू ही है, जो अतुल प्रधान बट्टा हुआ है ये नौरंगिया मुसलमानों का हराया हुआ है। मेरठ के अंदर नौरंगिया मुसलमान भी है देश में, वे आपकी ही बात करेंगे, वे आपको इकट्ठा होने की बात करेंगे, वे आपको भड़काने की बात करेंगे। वो बीजेपी की बी टीम है, उनका ध्यान रख लेना। वो बगैर मेरठ में जिस तरह की बड़ी बड़ी एलईडी लगाई और रात को मुसलमानों के मोहल्ले में उसको चलाते थे, वो बगैर सरकार की सहमति से चली, उसी का ही नतीजा है कि इनकी मिसेज थी जो लड़ रही थी वो 3रे नंबर पे गई, नहीं तो जीत का कैंडिडेट था। ये जो मुसलमान थे वहां पे, जो नौरंगिया मुसलमान थे, उन्हीं का हरा हुआ है।
तो ऐसे लोग आपके बीच में भी हैं, वे नौरंगिया सरदार भी हैं जो हमारे गुरुओं के खिलाफ, जो उन्होंने वहां पे दस्तावेज बनाए जिनके खिलाफ हमारा आंदोलन चंडीगढ़ में चला, वे दरबार साहब की कमेटी में जा घुसे, वे उसी बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, वे सब जगह अपने लोग को घुसाने का काम करते हैं। जो वहां से ट्रेनिंग लेकर आएगा वो आपका नहीं हो सकता, वो उन्हीं का ही रहेगा, उन्हीं के लिए वो काम करेगा। इनसे बच के रहना, ये आपके संगठनों में भी घुसने का काम करेंगे। अभी बहुत स्पीड से उनके लोग आपके संगठनों में घुसने का काम कर रहे, आपके यहाँ पे भी आएंगे, वे सोशल मीडिया पे आपको भड़काने का काम करेंगे, लेकिन उनके चक्करों में नहीं आना सरकार की, क्योंकि राजा की जो पॉलिसी है उसी पे वे काम कर रहे हैं। अगर राजा की पॉलिसी है कि देश की जनता लड़े तो लड़ने का काम कर रहे हैं, वो उनकी पॉलिसी है, वो उसके चक्करों में नहीं फंसना। हम सब लोग को चुनावी एजेंडा मेवात से तय हो रहा है, क्योंकि 13 मुजफ्फरनगर और 24 मेवात, ये 13 में दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, तो 13 से 23 और 24 का चुनाव ये आप लोगों ने बचाया। खास करके जो हमारी खापे थी चारों तरफ, उन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया। हमारे पास में भी बहुत फोन आते थे कि आपके ट्रैक्टर कहां गए, आप मेवात नहीं आ रहे, आप हिंदू नहीं हो। हमने कहा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हिंदू हैं। देश में दो तरह के लोग हैं, ध्यान से सुन लेना। एक है नौरंगिया हिंदू जो एफिलेटेड है नागपुर से, और एक है भारतीय हिंदू, हम भारतीय हिंदू हैं। इस देश में भारतीय मुसलमान भी हैं, इस देश में भारतीय सिख भी हैं, इसमें सब हैं, लेकिन वे भारतीय हैं, वे लड़ते नहीं, वे सब हैं यहाँ। ये पंचायत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको देख रहे हैं, पूरे देश में इसका मैसेज आ रहा है, ये पंचायत आगे भी आपको करनी पड़ेगी।